हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल डी4 डिफेंस डी4डी में। यदि आप भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से इन सब एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है सब कुछ कवर करने वाला हूँ। साथ ही एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो GK प्रैक्टिस सेट का 5वां वीडियो है, और अगर आपने सीरीज़ का पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देख सकते हैं। तो GK का प्रैक्टिस सेट तो लगातार आता ही रहेगा, साथ ही जो मैथ्स, फिजिक्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। इसके साथ ही इंडियन हिस्ट्री और इंग्लिश का सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति। शक्ति जो है वो इंडिया एंड फ्रांस के बीच एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है। शक्ति इज़ द जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। निम्नलिखित में से शक्ति भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा जो है उसे भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी कि परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, और साथ ही जो विक्रम साराभाई है उसे भारतीय जो स्पेस प्रोग्राम है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम, उसका जनक कहा जाता है। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। अगर क्वेश्चन आए कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई, तो आप उसे भी नोट कर लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ है, यानी अर्जेंटीना का जो राजधानी है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनोस एयर्स। बुनोस एयर्स इज़ कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का राजधानी शहर जो है वो बुनोस एयर्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ गौतम बुद्धस फादर। गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्धोधन। शुद्धोधन वॉज द फादर ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो थे वह शुद्धोधन थे, और साथ ही यहाँ पे जो राहुल है वह गौतम बुद्ध का बेटा थे, सन ऑफ गौतम बुद्ध वॉज राहुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा। दुर्गा जो है वो भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था। सो इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इज दुर्गा, और इसको जो मतलब प्रोड्यूस करने वाला था वो 1978 में जो है वो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का बनाने में कामयाब हुआ था, और वो ये दुनिया का दूसरे वैज्ञानिक थे। पहले वैज्ञानिक एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, और ये मतलब भारत का पहला और दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी है दुर्गा। और आज मतलब वो 2020 आते आते दुर्गा का उम्र का 42 साल हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 ईयर्स। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर सिलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स। राज्यसभा के जो सदस्य है वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, हु पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के विचार को किसने सामने रखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.N. रॉय। इसका जो पूरा नाम है वो हो जाएगा मानवेंद्रनाथ रॉय। मानवेंद्रनाथ रॉय जो थे वो एक जाने माने कॉमरेड थे, यानी लेफ्टिस्ट थे, और उसने भारत में जो इंडियन CPM, जो CPM पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना भी की थी। तो उसने पहली बार 1934 में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो आइडिया है वो पहली बार रखा था। सो मानवेंद्रनाथ राय पुट द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के विचार को मानवेंद्रनाथ राय ने सामने रखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
विच कंट्री सप्लाइज द स्पाइस 20 सॉरी स्पाइस 200 सॉरी 2000 है स्पाइस 2000 बॉम्ब्स टू द इंडियन एयरफोर्स। किस देश ने भारतीय वायुसेना को स्पाइस 2000 बम का निर्यात किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसराइल। इसराइल जो है वो भारत को स्पाइस 2000 बम का निर्यात करता है। सो इसराइल सप्लाइज स्पाइस 2000 बम्ब्स टू इंडियन एयरफोर्स। और ये इंडियन एयरफोर्स के जो मतलब MiG-29 जो फाइटर प्लेन्स है उसका मेन हथियार है, सबसे मेन हथियार के रूप में स्पाइस 2000 को यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरला। भारतीय मसाला अनुसंधान सेंटर संस्थान जो है वो केरला में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च इज लोकेटेड इन केरला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? भारत का पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हु इज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन? इंडियन सिविल एविएशन के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर रतनजी डेड बॉय टाटा, यानी कि जिसे JRD टाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो JRD टाटा जो है वो 1929 में उसने प्राइवेट पायलट का लाइसेंस हासिल किया था और ऐसे वो जो है वो भारत का पहला पायलट बने थे और इसलिए उनको फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन कहा जाता है, यानी कि भारतीय जो सिविल एविएशन है उसका जनक कहा जाता है जहांगीर रतनजी डेड बॉय टाटा को, यानी कि JRD टाटा को। और ये जो है वो जमशेदजी टाटा के जो है पिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द टेनेट्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो पहले मैं बता देता हूँ, जो लिबर्टी है उसका मीनिंग है स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब है समानता और फ्रेटर्निटी का मतलब है जो बंधुत्व को बता देते हैं, फ्रेटर्निटी बोलते हैं। और ये लिया गया है फ्रांस के संविधान से। सो द टेनर्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम फ्रांस। भारतीय संविधान में लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हु गेव द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन? प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसने सामने रखा था या फिर किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो है वो अफ्रीका के जंगलों में करीबन 22 साल तक रिसर्च करने के बाद द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन की प्रकाश किया था, जिसको प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो उसको जो प्रकाश करने वाले थे और जो थ्योरी देने वाला या फिर सिद्धांत देने वाला है वो चार्ल्स डार्विन है और इसने अफ्रीका के जंगल में करीब 22 साल तक रिसर्च किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया? किसे भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वुड्स डिस्पैच 1954। वुड्स डिस्पैच 1954 इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में वुड्स डिस्पैच 1954 को जाना जाता है। और साथ ही ये जो ऑप्शन नंबर बी में सेडलर कमीशन 1917 दिया हुआ है, इस कमीशन से जो हमारा जो आज का मतलब आज तो नहीं कह सकते, कुछ दिन पहले तक था, आज तो चेंज हो चुका है, मतलब 12 साल तक जो हायर एजुकेशन था उसका सिस्टम और 3 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम जो है वो सेडलर कमीशन ने भारत में स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केप कोमोरिन। केप कोमोरिन इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड। और केप कोमोरिन के बारे में बता देता हूँ, आप मतलब ज़्यादातर लोगों को तो पता होगा कि कन्याकुमारी इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, तो फिर केप कोमोरिन कहाँ से आ गया?
तो फिर केप कोमोरिन जो है वो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है केप कोमोरिन, जो कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। यानी केप कोमोरिन के बाद जो है पूरा समंदर आ जाता है, और कन्याकुमारी तो एक पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट है। कन्याकुमारी का डिस्ट्रिक्ट का केप कोमोरिन जो है वो एक छोटा सा विलेज है, जो कि दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का। तो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो हो जाएगा वो हो जाएगा केप कोमोरिन, जो कि कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कॉलेरा डिजीज एफेक्ट्स विच ऑर्गन? कॉलेरा डिजीज किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है, यानी कि जो अंत्र होता है हमारे शरीर का उसको प्रभावित करता है। कॉलेरा डिजीज इफेक्ट्स इंटेस्टाइन, कॉलेरा डिजीज इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। तो कॉलेरा जो डिजीज है वो बैक्टीरिया से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम भी आप नोट कर लीजिए। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी, VIBRIO, विब्रियो कॉलेरी, CHOLERIA, विब्रियो कॉलेरी जो है उस बैक्टीरिया से कॉलेरा नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदरी ट्री भी है, इसके लिए भी सुंदरबन नेशनल पार्क जो है फेमस है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है एनिमल के बारे में, विच एनिमल, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर रॉयल बंगाल टाइगर। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर जानवर के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही अगर क्वेश्चन आया कि सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ट्री, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री के लिए जो है वो सुंदरबन नेशनल पार्क को जाना जाता है। और जो एशियाटिक लायन है उसे वो जो है वो गिर नेशनल पार्क, जो कि गुजरात में मौजूद है, उसका फेमस एक एनिमल है एशियाटिक लायन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर कुचिपुड़ी डांस? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुचिपुड़ी नृत्य के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य के लिए जो आंध्र प्रदेश है वो राज्य फेमस है। और साथ ही अगर यहाँ पे तेलंगाना हो तो तेलंगाना और कुचिपुड़ी दोनों राज्य जो है वो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विनेगर? विनेगर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विनेगर। विनेगर का वैज्ञानिक नाम जो है वो एसिटिक एसिड है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिल्ट द खाजुराहो टेम्पल्स? निम्नलिखित में से किस वंश ने खाजुराहो मंदिरों का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंडेलास। चंडेलास बिल्ट द खाजुराहो टेम्पल, और खाजुराहो टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इन मंदिरों को 950 से लेकर 1050 वर्ष के बीच में बनाया गया था। पहले इसमें करीबन 85 मंदिर थे, लेकिन अभी सिर्फ मतलब अराउंड 25 मंदिर से बचे हैं। तो खजुराहो जो का जो मंदिर है उसको चंडेला वंश ने निर्माण किया था। और यहाँ पे जो जैन और हिंदू दोनों मंदिर साथ साथ मौजूद है, मतलब जैन का भी मंदिर है और पास में ही आपको हिंदू का मंदिर भी मिल जाएगा, और ये मध्य प्रदेश में मौजूद है। और खजुराहो जो शब्द है वो खेजूर से आया है, खेजूर यानी कि जो मतलब खजूर होता है वहाँ से ही। और मतलब इन जगहों में खजूर का जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में पाया जाता है, इसलिए वहाँ उस जगह का नाम खजुराहो भी है। और वहीं से खजुराहो का जो टेम्पल्स है उनका भी नाम हुआ है। तो ये चंडेला वंश ने बनाया था 950 से लेकर 1050 वर्ष के बीच में। तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में जीके प्रैक्टिस सेट का और 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इंग्लिश और हिंदी इंडियन हिस्ट्री का जो सीरीज़ है वो भी चैनल पे स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आगे भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो का जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका मतलब ये जो सीरीज़ का 5वां वीडियो है, इससे जो पिछले वीडियोस है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।